मिल बैठेंगे यार जब बैक पाइपर हाथ में होगी, कुछ ऐसे कुछ कैंप एरिया इनका एंजॉय कर रहा है। इसने अपना मुंह खोल के धूप सेक रहा है। ये मैं हूँ भाई, और भाई देखो यहाँ पे मैं अकेला, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई मेरी आवाज सुन रहा है, सुन रहा है? ये देखिए आप, क्रीम लगा ली, सनस्क्रीन, वो देख रहे ना सन की रेस पड़ती है ना तो टैनिंग हो जाती है, तो वो जरूरी है। बाकी बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम विद स्नो पीक्स, और का भाई अकेले टूनाथ टेम्पल से नीचे उतरा था और वहीं पे सो गया था, क्योंकि थोड़ा सा आराम से यार चिल आउट करके उतरा था। तीन चार नए यंग जनरेशन के फ्रेंड्स मेरे बन गए थे यार, पता नहीं उनको लगता कि मैं ज़्यादा यंग हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं, तो ज़्यादा बोलता भी हूँ ना, बातें भी ज़्यादा करता हूँ, गंदी बात है, बातें कम करूँगा आपसे, तो उनके कारण मैं लेट हो गया। वो तीनों गाड़ियाँ हमारी आगे चली गई और वो उखी मठ में कहीं पर जाके रुक गए हैं, बट मैं चौपता की कार पार्किंग में ही रुका, अकेला रुका। और अकेले भाई मुझे तो कोई, आपको पता है आपके भाई अकेले में कोई डर नहीं लगता। आई लव सोलो ट्रैवलिंग, सोलो में अपने डिसीजन, अपनी लाइफ। यहाँ से ये नोएडा 430 किलोमीटर है चौपता से। चौपता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, आप सबको आना चाहिए, बहुत बढ़िया लोकेशन, बहुत बढ़िया बुग्याल, और बहुत, अरे यार देखो गाड़ी अपनी कितनी दूर रह गई। और टुंगनाथ जी के टेंपल के दर्शन करिए, और चंचिला ट्रैक पे भी जरूर जाइए। देखिए अब यहाँ से मैं किधर निकल रहा हूँ बताता हूँ आपको, एटेस्ट टेस्ट तो करूँगा नहीं, कहीं ब्रेक ले जरूर लूँगा, और देखते हैं कहाँ ब्रेक लेता हूँ। देखो यार वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, 4-5 मिनट का हो गया है रिकॉर्ड करते करते, तो भाई चलो 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 अब निकलते हैं नोएडा की तरफ। रास्ते में कहीं जहाँ कहीं रुकता हूँ तो उसमें ये ऐड कर दूंगा ये वाला पार्ट, नहीं तो भाई 5 मिनट का वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। ओके बाय 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 बाय। ओए भाई ये क्या है, देख रहे हो आप इसमें क्या घुसा हुआ है, कोई जानवर है क्या? नहीं है। चलो बहुत बढ़िया लोकेशन मिली है, ये एक लोकेशन ये है और एक लोकेशन ये है, और ये देखो क्या व्यू है, क्या नज़ारा है। अभी यहाँ पे नीचे जाऊँगा मैं, लोगों से मिलूँगा, ये सारे टेंट्स हैं, यहाँ से रास्ता है, वो देखिए रास्ता पटंडी। सेटअप दिखाता हूँ भाई का, भाई ने अपनी गैस जला ली है, आवाज कर रहा ना, ये और कॉफी बना रहा है, रेडीमेड कॉफी। इसमें डालूंगा गर्म पानी, बस गर्म पानी डालने के बाद अपनी कॉफी रेडी हो जाएगी। भाई अपनी कॉफी रेडी, भाई देख लो अपना बेड रेडी हो गया। आज वो कैंप एरिया जो आपको दिखाया ना मैंने, इस आज कैंप एरिया में रुकेंगे, नीचे बच्चे बुला रहे हैं, उनके साथ बैठते हैं बातें करते हैं। देखो बेड, इसे कहते हैं भाई बेड रेडी है गाड़ी में प्रॉपर वे में, और ये ना ये पैर में दबाने वाला तकिया भी है भाई, पैर में दबाऊंगा तकिए को। ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ये अपना कैंप लोकेशन, यहीं पे जाके बातें करते हैं। आपको चीज़ दिखाऊं भाई, ये देखिए एलिगेटर, देखा एलिगेटर मेरा, इसने अपना मुंह खोल के धूप सेक रहा है। और अब आपको सांप दिखाता हूँ, सांप तो आप भी आइडेंटिफाई कर लोगे, ये रहा सांप। इस पेड़ में दो चीज़ तो मुझे दिखी, और देखिए कितना सुंदर लोकेशन है, सामने है स्नो पीक्स जो कि अभी बादलों के बीच में है, और बाकी भाई ये गवर्नमेंट, उनके अपने रीजंस हैं कि भाई परमानेंट स्ट्रक्चर ना बनाए,
एक्चुअली ये एरिया सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाता है, तो ये कहते हैं कि छत ना बनाए यहाँ पे, बाकी टेंट कर सकते हैं। तो मैं इस समय हूँ 8527 फीट की हाइट पे, उससे इधर उस पेड़ों के बीच में वहाँ पे अपनी गाड़ी लगी हुई है। ऑल दो भाई यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, तब भी कैंप एरिया इनका इंजॉय कर रहा है, मस्त माहौल है। मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, ऑर्डर दे दिया है, और देख रहे हो आप माहौल गजब का है। इनकी कैंटीन है एक छोटी सी, उस कैंटीन में खाना खाया जाएगा, आलू का परांठा। अपने पास परांठा आ गया है, अब डालेंगे इसमें मक्खन। और ये भाई ओहो पानी आ गया मुंह में यार मेरे तो, ओहो दही डालेंगे भाई इसमें, मक्खन दही। और टेस्ट करके बताते हैं कैसा बनाया भाई, अमेजिंग मज़ा आ गया, खा लें। तो ये ड्यूल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने, जिससे मैं भी दिखता रहूँ आपको, नज़ारे भी दिखाता रहूँ। भाई लास्ट में यही कहना चाहूँगा आपको मैं, ड्रीम्स हर तरीके से पूरे हो सकते हैं, आप बेस्ट से बेस्ट जी रहा हूँ मैं इस समय, बेस्ट से बेस्ट, और कम खर्चे में और नेचर के साथ। सिर्फ पेट्रोल का खर्चा करता हूँ भाई, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को मैंने कूल कर रखा है, ना शराब ना सिगरेट ना मांस, सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में हूँ, और ज़िंदगी के बेस्ट टाइम इन्जॉय कर रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में अच्छे अच्छे पैसे वाले मतलब नहीं कर पाते। और भाई आपका देख रहे हो वॉक बहुत करता है, 5 किलोमीटर की वॉक करता है हर दिन, और किस ब्यूटीफुल माहौल में अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। देखो कैंप का गांव है पूरा ये, और शाम को देखना यहाँ पे क्या माहौल हो जाएगा, सारे ट्रैकर्स सब होंगे यहाँ पे, म्यूज़िक बज रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। दिखाता हूँ 360 डिग्री व्यू। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, एनर्जी लेवल अप हो गया है। नए नए लोगों से मिलूँगा, फ़न करूँगा उनके साथ, बातें करूँगा, और कुछ अपनी सुनाऊँगा, कुछ उनकी सुनूँगा, ऐसे ही जैसे ट्रेन में सफ़र करते ना, कुछ नए पैसेंजर्स मिलेंगे, कुछ नए पैसेंजर जाएंगे। ओवर लैंडिंग के साथ मैं टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस भी देखता रहता हूँ, मैं ट्रैकिंग भी करता रहता हूँ, मैं कैंपिंग भी करता रहता हूँ, और नए नए कैंपर से भी मिलता रहता हूँ, नए नए ट्रैकर से मिलता रहता हूँ, सारे फ़न करता हूँ, एक ही चीज़ भी करता हूँ कि ओवर लैंडिंग कर रहा हूँ। ओवर लैंडिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस, दर्शन भगवान के, सब सब सब। भाई का मुंह देख लो, धूप में दिखा रहा हूँ, दिखाता नहीं हूँ, टैनिंग हो जाएगी। देख संदेशता, ओ भाई कर लो टैनिंग, संदेशता टैनिंग कर लो। वाजी मजाक बहुत हो गया, बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर लो भाई, कर लो टाटा बाय बाय। तो भाई साहब ये देखो शाम का माहौल कितना सुंदर है, और ये एक दिखाता हूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर पे टेंट लगा हुआ है, और हमारे दो मित्र भी बन गए यहाँ पे। और मैं सीतामढ़ी का हूँ, वहाँ पे भी सीता माता का जो जन्म जो है वही हुआ है। जी जी जी। और आप लोग आओ एक बार सीतामढ़ी देखो, बिल्कुल अभी यूपी में जो अयोध्या बना है उसी के तर्ज पे वो बन रहा है। अच्छा। और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 साल बाद, बिल्कुल विकसित सीतामढ़ी। तो देखिए ये दोनों मित्र हैं, और बाकी इनके 4-5 मित्र नीचे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए कितने पास क्लोजअप, वहाँ से काऊ को दिख रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े नीचे बैठे हुए थे, आप काऊ को दिख रहे थे बैठ कर। अच्छा हाँ, वो समझ रहा था, मैं समझ गया था। इन्होंने मुझे प्यार से बोला कि आप यहाँ पे आज रात यहाँ पे आइए, शाम को बैठेंगे, मिल बैठेंगे यार, जब बैक पेपर हाथ में होगी, कुछ ऐसा कुछ क्या डायलॉग होता था। व्हाट्स योर गुड नेम? ईशा। आप कहाँ से ईशा? राजस्थान। क्या क्या करके आए नीचे, मतलब क्या नजारे क्या दिख रहे थे ये बताइए? नजारे तो यहीं से भी दिख रहे हैं। ये लोग नेचर को करीब से फील कर रहे थे। अच्छा, करीब से, बहुत ज्यादा करीब से, साइलेंस में। चलिए मैं अब जा रहा हूँ उस मिडोज में घूमने के लिए, जहाँ पे दो जने बैठे हैं ना, वहाँ तक होके आता हूँ। देखो तुम्हारा भाई शाम को ट्रैक भी कर रहा है, देखो ऐसे क्या नजारे हैं भाई, कल सुबह निकल जाएंगे। चलते देखो ये क्या हो गया भाई, मुझे उस मेडोज में जाना है, बट बीच में आ गई एक छोटा सा ये माहौल। भाई मज़ेदार ट्रिप है यार ये तो, हर जगह कैंप्स हैं, सबके अलग अलग कैंप्स हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। भाई साहब क्या नाम है कैंप का? ये कैंप आज हमने स्टार्ट किया, तो आपने टेक ओवर किया है आज से। टाइजर कह रहे कुछ फेंक नीचे से उठा। ये इसको यही शौक है भाई, ढूंढ के लगा आइडेंटिफाई कर देगा। वेरी गुड,
टायसन बेबी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक भाई, गुस्से मत हो, मैं जा रहा हूँ भाई। क्या खाना नहीं है वो? फाइनली ये लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, और क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, यहाँ पे जंगल के रास्ते पहुँचा हूँ। तो पहला ट्रैक जो है, देखो बाल कितने सुंदर हो गए ना, ना तो अच्छा लग रहा ना। ये देखो, ये बताएगा लड़का, स्मार्ट बॉय। अरे तू यार, तू खड़ा हो जाता, बैठ 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 जा, क्योंकि खड़ा हो जाता है मुझे कैमरा यूँ करना पड़ता है, कैमरा। अब ठीक है, अब बोल। पहला ट्रैक है टिंगरी ट्रैक, ठीक है। दूसरा है बिसुड़ी ताल, ठीक है। फिर उसे आगे जाते लोग ब्रह्म कमल के लिए जाते उससे आगे। भाई अपना खाना लग गया है, देखो ये है माहौल, ये है सेब खा जा रहा है, देखो चीज सेब। तो भाई जंगल में मैगी बना रहे हैं, पर देखो लकड़ी तो भाई मेरे पीछे इसने लगाई है, झूठ क्यों बोलो, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रुक जाओ, देखो अंडा, अंडा कभी खाया आपने ऐसे चूल्हे में? ये वुडन, हम तो पहली बार देख रहे हैं, हम तो पहली बार देख रहे हैं, सही बात है।